Hi! Subscribe to my channel if you love cooking and also press the bell icon so you can get latest videos notifications for free. Thank you! Assalamu alaikum viewers, kaise hain aap sab log? Cooking with Saima ke saath main aayi hu aapke liye ek nayi recipe leke. Aaj main banane ja rahi hu macaroni. ये आप दो तरह से बना सकते हैं, चिकन मैक्रोनी भी बना सकते हैं और वेजिटेबल मैक्रोनी भी. मैंने इसमें दोनों ही लिए हैं, चिकन भी और वेजिटेबल्स भी. इनके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ, इनमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होंगी. एक कप गाजर ले लिया मैंने, इसको स्मॉल डाइस के शेप में काट लिया है. शेप आप जो मर्ज़ी रख सकते हैं, जूलियन भी कर सकते हैं, चॉप भी कर सकते हैं और डाइस भी कर सकते हैं. मैंने स्मॉल डाइस रखी हुई है शेप. चिकन एक कप, ये भी स्मॉल डाइस है. उसके बाद मटर ले लिए, मटर एक कप है. इनको मैंने पहले से बॉईल कर लिया, ज़्यादा बॉईल नहीं करना, थोड़ा सा बॉईल करके रख लिया इनको पहले मैंने. मटर है, टमाटर है सॉरी, इनको स्मॉल डाइस के शक्ल में ही मैंने काटा है. ये भी एक कप है, या एक बड़ा टमाटर आप ले सकते हैं. उसके बाद प्याज हैं, एक बड़ा प्याज, इनको मैंने फाइन चॉप किया हुआ है. शिमला मिर्च है, शिमला मिर्च को भी स्मॉल डाइस के शेप में काटा हुआ है. ये भी एक बड़ी शिमला मिर्च है, ज़्यादा नहीं ली. स्पाइसेस जो इसमें यूज़ होंगे वो ये हैं गरम मसाला पिसा हुआ 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, काली मिर्च पिसी हुई 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून. मैक्रोनी इसमें यूज़ होगी 2 कप. मैंने 7 स्पाइसी मैक्रोनी लिए. कुछ लोगों को स्पाइसी पसंद होता है, कुछ को नहीं, तो इसलिए मैंने 7 स्पाइसी लिए. मुझे तो स्पाइसी पसंद है, आप मसाले के बगैर भी ले सकते हैं. इसके अंदर एक साशे होता है मसाले का और एक वैसे पैकेट मिलता है, आप वो भी ले सकते हैं और ये भी. मैंने ये लिए मसाले वाले. मैक्रोनी बॉयल करने के लिए हम पानी को बॉयल होने के लिए रख देंगे. इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच ऑयल और 1 चम्मच इसमें हम डालेंगे नमक. जब पानी बॉयल होने लगे तब हमने इसमें मैक्रोनी डालनी है. पानी बॉयल होने लग गया, अब हम इसमें मैक्रोनी डाल देंगे. साथ साथ चम्मच चलाते रहना ताकि चिपक ना जाए. थोड़ी थोड़ी देर बाद इसमें चम्मच चलाएंगे और साथ ही हम मसाला बनाने के लिए रख देंगे दूसरी कढ़ाई में. आधा कप घी ले लिया हमने, इसको गरम कर लेंगे. जब गरम हो जाए तो इसमें प्याज ऐड कर देंगे. हल्का सा प्याज फ्राई करके इसमें चिकन ऐड कर देंगे. थोड़ा सा फ्राई करके इसमें टमाटर ऐड कर देंगे और मटर डाल देंगे. अब हम इसमें गाजर डाल देंगे. सारी सब्जियों को स्टेप बाय स्टेप डालना है. एंड पे शिमला मिर्च ऐड करनी है. इसको थोड़ा सा पकाना है. अब हम इसमें सारे स्पाइसेस ऐड कर देंगे. मैक्रोनी बॉईल हो गई है, अब हम इसको निकाल लेंगे पानी में से. निकाल के हमने इसके ऊपर 1 चम्मच ऑयल लगा देना है. 1 चम्मच ऑयल लगा के इसको साइड पे रखते हैं. चिली सॉस 1.5 टेबल स्पून, केचप 2 टेबल स्पून, सोया सॉस 1.5 टेबल स्पून, इमली 2 टेबल स्पून. अब हम इसमें चिली सॉस ऐड कर देंगे, सोया सॉस, इमली. मसाला हमारा भुन गया है, अब हम इसमें मैक्रोनी ऐड कर देंगे. मैक्रोनी अगर आपके चिपक जाए
तो इसको ठंडे पानी से धो लें। थोड़ा सा भून कर इसको फिर हम इसमें केचप ऐड कर देंगे। केचप आप बाद में भी डाल सकते हैं और पकाते हुए साथ भी। मैक्रोनी हमारी रेडी हो गई है, देख लीजिए व्यूअर्स इस तरह से ये बनेंगे। अगर आपको केचप कम लगे जब आप खाते हैं तब भी केचप इसमें ऐड कर सकते हैं, कुछ लोग बाद में भी ऐड कर लेते हैं। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। व्यूवर्स हमारी मैक्रोनी तैयार हो गई है, आप देख सकते हैं बहुत ही मज़े की रेसिपी है। आप ज़रूर ट्राई करना और ट्राई करके मुझे कमेंट में बताना कि कैसी बनी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और मेरी हर नई आने वाली वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाया करेगा। बहुत शुक्रिया।